हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से पेंशन पे इनकम टैक्स की लायबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा उसके ऊपर। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा, बड़ी वीडियो है। इसका रीजन क्या है कि एग्जाम्पल्स को हमने लिया जो एक्सेल पे आपको करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा टैक्स उस पे। और साथ ही सीए आईपीसीसी एग्जाम नवंबर 2019 बैच के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो स्टूडेंट के लिए। इसे मैं एक स्टोरी के तरह आपसे दिखाता हूं और इस स्टोरी का किसी से भी कोई तात्पर्य, कोई मेल जोल, कोई सच्ची स्टोरी नहीं है। इसे याद रखने के लिए आप इस स्टोरी को सिर्फ याद रखना। तो चलते हैं हम टॉपिक पे। टॉपिक आप देख रहे हैं सामने, आपके सामने खुला हुआ है, पेंशन का ये चार्ट है। एक्चुअली इसके पीछे में एक स्टोरी है, आपको छोटी सी स्टोरी है, इस स्टोरी से किसी को लेना देना नहीं है, लेकिन आप इस स्टोरी को याद रखिएगा तो आपको ये पॉइंट क्लियर रहेगा। हुआ यूं कि मैं जो लक्ष्मी नगर में रहता था तो सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मतलब क्या, माथे से बाल उड़ जाता है ना ओल्ड एज होने पे, पेंशन तभी तो मिलता है। तो वो चांद वाले पौसन थे, यानी कि एक लक्ष्मी जी थे, उनके पापा से लक्ष्मी नगर में लक्ष्मी जी के पापा से अपन का मुलाकात हुई। जो मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा तू मेरे को पेंशन पे कितना टैक्स लगेगा, अपन जो पेंशन पाते हैं वो एक बहुत बड़ी टेंशन हो रखी है। क्या टेंशन हो रखी है? तो उस पे टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स। तो ये बता तू कैलकुलेशन करके कि कितना कैलकुलेशन होगा, कितना अमाउंट मुझे टैक्स, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अपन की लक्ष्मी जी की बात थी तो यार बताना तो अपने को पड़ता ही था कैलकुलेशन, नहीं तो लक्ष्मी जी गए हाथ से। हमने कहा जी चलो ठीक है, हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने क्या किया, एक छोटी सी विंडो खोला, इस विंडो से झांका तो मैंने पूछा अंकल ये बताओ कि आप सेंट्रल एम्प्लॉय के गवर्नमेंट हो, स्टेट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या प्राइवेट नौकरी हो, क्या हो आप? उन्होंने कहा बेटा अगर सब चीज में बता दिया तो फिर तुम्हें क्या पता है, तुमसे नॉलेज क्या लूं, मैं तो तेरा ट्रायल ले रहा, तू सब चीज मुझे बता। मैं कहा जी चलो ठीक है। सबसे पहली बात, पेंशन टू टाइप्स का होता है, एक कम्यूटेड, एक अनकम्यूटेड। कम्यूटेड क्या होता है? कम्यूटेड वो पेंशन हो गया जहां पे कुछ परसेंट लोग क्या करते हैं, सपोज करो आपके कोई आदमी का 5,000 रुपए का पेंशन पर मंथ आता है, वहां पे वो क्या करता है 25% या 60% या 40% कम्यूटेड कर देता है, यानी कि उसका एक लमसम अमाउंट जो भी पेंशन उसको मिलता है 5,000 का महीना, उसका वो 2 लाख 3 लाख रुपए पे इकट्ठा ले लेता है, उतना परसेंट कुछ परसेंट के हिसाब से वो हो जाता है कम्यूटेड पेंशन। और अनकम्यूटेड यानी जो कम्यूटेड नहीं है वो अनकम्यूटेड है। तो पेंशन दो टाइप का होता है, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। कम्यूटेड होता है उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, और अनकम्यूटेड पेंशन जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है। आपको इतना ही याद रखना है, सबसे पहली बात कि पेंशन जो अनकम्यूटेड है वो फुल्ली टैक्सेबल है। मैंने भी यही बात उनको कहा, उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा बता कम्यूटेड में क्या है। मैंने कहा जी कम्यूटेड में टू टाइप्स का होता है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन या मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज या डिफेंस सर्विसेज एटसेट्रा में हो, यानी कि कोई सरकारी नौकरी से कर रहे हो, तो एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 ए क्लॉज 1 के तहत आप फुल्ली एग्जेम्प्ट हो कम्यूटेड वाले में। अनकम्यूटेड तो फुल्ली टैक्सेबल है, कम्यूटेड वाले में यहां पे आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। तो अब तो बता दे भैया कि अब सरकारी नौकरी वाले हो या प्राइवेट। उन्होंने कहा नहीं और आगे बता, तो आगे बता क्या है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो सरकारी हुआ। अब इन लोगों को छोड़ के जो लोग हैं अदर एम्प्लॉयज, उनमें भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि क्या आप ग्रेच्युटी रिसीव करते हो, जिस समय आप रिटायरमेंट लेते हो उस समय आप ग्रेच्युटी रिसीव किए हो। अगर ग्रेच्युटी रिसीव किए हो तो उसका फिर अलग नियम, और अगर ग्रेच्युटी नहीं रिसीव किए हो तो उसका फिर अलग नियम है। मैंने कहा बता दे भाई
आप ग्रेच्युटी रिसीव किए या नहीं? उन्होंने कहा अपन तो नहीं बताएगा। लक्ष्मी जी गई हाथ से। मैंने कहा चल भैया मैं बताता हूं, पूरी बात सुन ले आप। फिर मैंने कहा कि अगर आप ग्रेच्युटी रिसीव करते हो तो आपको 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड डिवाइड बाय करना है कम्यूटेशन परसेंट 60%, 40%, 20%, कितना आपने कम्यूटेशन किया है इनटू 100, जो भी अमाउंट आएगा वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर कहा कि अगर मैं ग्रेच्युटी नहीं रिसीव करता हूं तो क्या होगा? मैंने कहा सब चीज वही रहेगा, 1/3 के जगह पे वो हाफ कर दो, 50% कर दो। उन्होंने कहा नहीं समझा, फिर से समझा मुझे। मैं कहा समझ लो भैया, यानी कि 1/2 यानी हाफ यानी 50 इंटू कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, जितना आपको 2 लाख 1 लाख जितना मिला, डिवाइडेड बाय कम्यूटेशन परसेंट इंटू 100%, ये अमाउंट जो होगा एग्जेम्प्ट होगा। उन्होंने कहा नहीं समझा, और अच्छा से समझा। मैंने कहा चलो जी, अब मैं पूरा विंडो देखने से नहीं होगा, नॉलेज की विंडो खोलने से अब कोई बेनिफिट नहीं। हमने कहा डोर खोल देते हैं। डोर खोलने के लिए मैं आपको ले चलता हूं कहां पे, एग्जांपल पे। मैंने एक एग्जांपल बताया, सपोज मान लीजिए लक्ष्मी जी के पिताजी का नाम था मिस्टर सुमित। मिस्टर सुमित विल रिटायर ऑन 1 अक्टूबर 2019 को रिटायर होंगे। ये प्रॉब्लम थी उनकी, पेंशन उनको 5,000 रुपया पर मंथ था, एक हमने एज्यूम किया है। उन्होंने क्या किया, सोचा कि 1 फरवरी 2020 को हम अपने पेंशन का 60% कम्यूटेट कर लेते हैं, और उस जगह पे उन्होंने रिसीव कर लिया 3 लाख रुपया। ये उनका प्लान है कि अपन ने रिसीव किया 3 लाख रुपए, अब हमें क्या निकालना है, उनका टैक्सेबल पेंशन, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा पेंशन का। 3 कंडीशन है अपने पास भी। पहला कंडीशन है कि जो बंदा पेंशन होल्डर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई। दूसरा कंडीशन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है लेकिन वो ग्रेच्युटी रिसीव करता है। और तीसरा क्या है कंडीशन, कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय है बट ग्रेच्युटी नहीं रिसीव करता है। तो इस तीनों सिचुएशन में मुझे उन्हें बताना था कि पेंशन कितना आपका होगा। मैंने कहा ठीक है चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अनकम्यूटेड पेंशन हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि कम्यूटेड पेंशन उनका 60% है। अब ध्यान से देखना कि 1 अक्टूबर 2019 को बंदा रिटायर कर रहा है, तो अक्टूबर से मार्च तक का टाइम कितना हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ। 6th मंथ में आपके पास फाइनेंशियल ईयर 19-20 में टाइम बचा है, जिसमें ये बंदा क्या किया मिस्टर सुमित ने कि फरवरी से जाकर के कम्यूटेड पेंशन कर दिया, पेंशन को कम्यूटेड कर दिया, और कम्यूटेड अमाउंट जो उन्होंने ले लिया 3 लाख रुपया ले लिया, कब, 1 फरवरी से। यानी 4 महीना तो इन्होंने कम्यूटेशन नहीं लिया था, तो वो 4 महीना इन्होंने 5,000 के हिसाब से पेंशन उठाया, यानी कि 5,000 को 4 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 रुपया। ठीक है मैं आपको दिखा दूं, यानी कि आप इसने क्या किया, 5,000 × 4 20,000 रुपया इन्होंने यहां ले लिया। दूसरा, अब जो 2 महीना बचता है उसमें इन्होंने 40% जो होगा वो 5,000 का अनकम्यूटेड हुआ, क्योंकि 60% इन्होंने कम्यूटेड कर दिया, 60% कम्यूटेड कर दिया तो 40% अनकम्यूटेड हुआ, यानी 5,000 का 40% हो जाता है 2,000 रुपया, और 2,000 का 2 महीने का हो जाएगा 4,000 रुपया, 20,000, और 4,000 को जब ऐड करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 24,000 रुपया। क्लियर। अब इन्होंने कम्यूटेड पेंशन रिसीव कितना किया, जब कम्यूटेशन किया तो वहां पे इन्होंने किया 3 लाख रुपया, 3 लैक्स इन्होंने रिसीव किया। रूल कहता है कि आपका
यहाँ पे देखिए कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और कम्यूटेड पेंशन आपका है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो ये जो 3 लाख रुपया इन्होंने कम्यूटेड पेंशन रिसीव किया, ये टोटल का टोटल एग्जेम्प्ट हो गया। और जब ये एग्जेम्प्ट हो गया तो अनकम्यूटेड पेंशन कितना था? फुल्ली टैक्सेबल, रूल में लिखा हुआ है अनकम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल। तो यहां पे सिर्फ इनको 24,000 रुपया टैक्सेबल पेंशन हुआ, यानी कि टैक्सेबल पेंशन जो है वो कितना है? 24,000 रुपया मात्र। ये 3 लाख इनका यहाँ पे बच गया। इस 24,000 पे टैक्स इनको इस पेंशन अमाउंट पे लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम वन था कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए ये पॉइंट क्लियर। अंकल जी ने कहा भैया ठीक है बेटा, अब आगे बता। दूसरा कंडीशन उन्होंने कहा कि बेटा ये बता, सारा कुछ यही रहेगा अमाउंट, लेकिन मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूं। मान ले कि मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूं और ग्रेच्युटी मैंने ले लिया वहां पे 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीज। मैं कहा ठीक है बताते हैं आपको। यहां पे भी सेम कंडीशन होगा। अनकम्यूटेड पेंशन पहले कितना रिसीव किया? 24,000 रुपया। यही फॉर्मूला मैंने लगाया, इसी तरह से कैलकुलेशन यहां भी किया। ठीक, ये 24,000 यहां तक आ जाएगा, ये तो अपने आप भी समझ गए। अब कम्यूटेड पेंशन इन्होंने रिसीव किया था कितना? 3 लाख रुपया। अब एक चीज यहां ध्यान रखना, ये जो ग्रेच्युटी रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, खाली इतना भी अगर कहीं लिखा हो तो समझ जाओ, ये जो अमाउंट दे दिया जाता है वो आपको घुमाने के लिए रहता है, उस 5 लाख रुपया हो या 50 लाख रुपये, यहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि एग्जाम में भी अगर आपको अमाउंट दे दे तो अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। वर्ड ये देखना है कि वो ग्रेच्युटी रिसीव किया या नहीं किया, ये कंडीशन है, अमाउंट से कोई मतलब नहीं। अमाउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे ग्रेच्युटी में, दूसरे सेक्शन में रीड करेंगे, होपफुली कल मैं वो वीडियो दे दूंगा आपको। अब यहां क्या हुआ, ग्रेच्युटी उसने रिसीव किया, यहां 5 लाख रुपया ग्रेच्युटी रिसीव किया का। अब बता, मैं कहा ठीक है, आपने पेंशन कम्यूटेड पेंशन 3 लाख रुपया रिसीव किया था। अब एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10-10A का 10-10A 2A में कहता है कि अगर आपने ग्रेच्युटी रिसीव किया तो 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड। मैंने भी किया वर्किंग नोट, यहां देख लो, मैंने ये जो 1,66,667 1,66,667 रुपीज में कैसे लाया वो देखो। 1/3 मैंने भी किया, 1/3 रूल में कहता है कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड। कम्यूटेड पेंशन रिसीव कितना किया? 3 लाख रुपया। इसका 60% रूल है ना, कम्यूटेशन कितना परसेंट था? कम्यूटेशन 60% था, क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ, वो 60% ले लिया इंटू 100%। जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो अपने पास आएगा 1,66,667। अब इसमें इसको लेस कर दो, 3 लाख, 3 लैक्स में 1,66,667 को लेस करोगे तो 1,33,333 रुपया आएगा। यानी कि टोटल हो गया कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन दोनों को, जब यहां पे करोगे टैक्सेबल पेंशन ये और ये दोनों जोड़ के हो गया 1,57,333 रुपये। यानी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप और आपने ग्रेच्युटी रिसीव किया तो आपको 1,57,333 रुपया टैक्सेबल पेंशन हो गया, यानी इतना अमाउंट टैक्स लायबिलिटी पे जुड़ेगा, इस पे टैक्स कैलकुलेशन होगा, टैक्सेबल इनकम में ये आपका जुड़ जाएगा। अब तीसरा कंडीशन सॉल्यूशन था, बताना मेरे को कि उनका तीसरा कंडीशन ये था कि बेटा मैंने ना प्राइवेट नौकरी में तो हूं ही, साथ ही मैंने ग्रेच्युटी भी रिसीव नहीं किया। ठीक है जी, और पूरी डोर मैंने खोल दिया। मैं कहा चलो जी, और इतनी बात होगी, अब छोटी सी बात के लिए क्या डरना, समझा ही देता हूं। हमने क्या किया है कि सेम कैलकुलेशन, 24,000 का जो अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड हुआ वो तो सेम कैलकुलेशन हमने किया, जैसे गवर्नमेंट में किया उसी तरह ऊपर जो मैंने आपको बताया। अब कम्यूटेड पेंशन रिसीव कितना किया इन्होंने? 3 लाख रुपया, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है।
अब यहां पे जो वर्किंग नोट अपने को करना है वो क्या करना है, वो करना है एज पर सेक्शन 10 10 ए टू बी के तहत हाफ 1/2 इंटू कम्यूटेड पेंशन रिसीव डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंट इंटू 100%, 1/2 वर्किंग नोट 2। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट 2 में 2,50,000 मैंने लिया, यहाँ पे देखो 1/2 इंटू कम्यूटेड अमाउंट कितना है 3 लाख रुपया, कम्यूटेशन परसेंट क्या था 60% क्वेश्चन में, इंटू 100% जब करोगे तो आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, तो 3 लाख में 2,050,000 लेस कर दो तो हुआ 50,000, यानी 50,000 ये और 24,000 ये दोनों को जोड़ दोगे तो 74,000 टैक्सेबल पेंशन हो गया। यानी कि मिस्टर सुमित को अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उन्हें 24,000 ओनली देना पड़ेगा, क्योंकि अनकम्यूटेड पेंशन जो है वो टोटली टैक्सेबल है, इसलिए यहाँ पे 24,000 टैक्स, 24,000 रुपये पे टैक्स लगेगा, कुछ नहीं कर सकते, नहीं बचा सकते, इतना तो देना ही देना है इस पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। अगर यही बंदा प्राइवेट नौकरी में है और ग्रेच्युटी रिसीव करता है तो उसे देना पड़ जाएगा 1,57,333 रुपया, और अगर यही बंदा प्राइवेट नौकरी में है बट ग्रेच्युटी नहीं रिसीव करता है तो उसे कितना देना पड़ेगा, ओनली ऑन 74,000 रुपये। तो पेंशन पे ये टेंशन था, इसे याद रख लीजिए, इसे मेरी इस स्टोरी को अगर आप याद रखेंगे तो, और इस एग्जाम्पल को, तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये समझने में भी, और अगर आप स्टूडेंट को देख रहे हैं वीडियो को तो एग्जाम में भी ये मेरी जो स्टोरी मैंने लव स्टोरी आपको बताया उसे याद रखना है। और एक चीज और बता दूं कि ये पेंशन पे, कि ये जो मैंने स्टोरी बताया ना लक्ष्मी जी और लक्ष्मी के पिताजी, ये सब ऐसी कोई रियलिटी नहीं है, इसे आपको सिर्फ याद रखने के लिए समझाया गया है, तो इसे ये स्टोरी को याद रखिए, एग्जाम में स्टोरी में ये सब मत छाप देना लक्ष्मी जी के, तब एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको स्टोरी से जो मेन पॉइंट है, एक बार मैं और दोहरा देता हूं कि पेंशन अगर कम्यूटेड है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अनकम्यूटेड है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे कोई हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर का बंदा हो। अगर कम्यूटेड है और वो प्राइवेट में है और वो ग्रेच्युटी रिसीव करता है तो 1/3 इंटू कम्यूटेड पेंशन रिसीव, जितना रुपया उसने कम्यूटेड पेंशन पाया और जो परसेंट उसका था वो परसेंट को डिवाइड कर दो उससे, और उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर दो, जो अमाउंट आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वही अगर ग्रेच्युटी नहीं रिसीव करता है तो 1/2 यानी हाफ इंटू कम्यूटेड पेंशन रिसीव, जो रिसीव किया पेंशन वहां पे इसको डिवाइड कर देना है, कम्यूटेशन परसेंट जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना 100% से, जो अमाउंट आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा एज पर सेक्शन 10 10 ए 2 बी के थ्रू, और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा बाद में वो टैक्स लाइबिलिटी उसी पे होगी कैलकुलेशन, यानी कि वो पेंशन टैक्सेबल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू, बाय बाय।